हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज डेली बेसिस पे। जैसा कि मैं लेकर आती हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सेट एफ का अभ्यास 6 है। इस प्रकार के 16 से 17 अभ्यास हैं, जिसमें से 7 से 8 हजार क्वेश्चन है, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, MP TET हो, MP Super TET हो, चाहे अदर स्टेट के TGT PGT हो, सभी से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोज अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हैं और वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि सभी एग्जाम अभी आपके, जैसे MP TET जिसने दिया है, जिसने क्वालिफाई हो गया है, वो अपने मुख्य एग्जाम की तैयारी करे, और जो नहीं क्वालिफाई हुआ है वो भी तैयारी करे नेक्स्ट एग्जाम की। एंड UPTGT आपका जुलाई अगस्त सितंबर में 100% हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि इतना समय फॉर्म अप्लाई किए हो गया, अब तो एग्जाम होगा ही। आप इंतजार करना आपका अच्छा बात नहीं है, तैयारी में लग जाइए और LT ग्रेड का भी विज्ञापन आएगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस भीड़ में बहुत सारे तैयारी करके बैठे हुए हैं। आज के समय में सिलेक्शन लेना इतना आसान बात नहीं है, आसान भी है, जिसने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया उसके लिए आसान है। तो दोस्तों, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो हमारे चैनल का नाम है, स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, आप सभी लोग रेडी हो जाइए। दोस्तों, क्वेश्चन है कि मानव स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नता पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव में, शारीरिक रचना में, हार्मोनस इम्बैलेंस में, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में अलग अलग है। तो इसका प्रभाव पड़ता है अंतरासर्गी ग्रंथियों पर, शरीर रसायन पर, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण पर, इन सभी पर प्रभाव पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता पर। नेक्स्ट है, मार्गरेट मीड के समाज मानव शास्त्री अध्ययनों से व्यक्तित्व के विकास में किस कारक का प्रभाव स्पष्ट हुआ है। तो मार्गरेट मीड के समाज मानव शास्त्री अध्ययन में व्यक्तित्व के विकास में अनुवांशिकता एंड पर्यावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों कारकों का प्रभाव पड़ा है उनके व्यक्तित्व के विकास के अध्ययन में, मार्गरेट मीड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का बालकों पर प्रभाव सबसे अधिक निम्न में से किसके माध्यम से होता है। तो सामाजिक स्तरीकरण, जो भी बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है अपने घर में, अपने माता पिता से सीखता है, सबसे ज्यादा प्रभाव किससे पड़ता है, माता पिता से। नेक्स्ट है, सामाजिक एकाकी व्यक्ति में निम्न में से किस कारक का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों, सामाजिक एकाकी यानी समाज से कट कर रहने वाले में क्या होता है, सामाजिक करण का अभाव पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, सामाजिकरण का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह में मार्गरेट मीड ने स्त्री पुरुष में अंतर नहीं पाया। तो अरापेस समूह में मार्गरेट मीड ने स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं पाया यानी समान पाया। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे सामाजिक, समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना। यदि प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने उत्तरदायित्व को समझेगा तो वहां पे सामाजिक विकास सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है, अपने साथ और दूसरों के साथ
भली प्रकार चलें, और चलने की बढ़ती हुई योग्यता विकास का कौन सा प्रकार है? तो यह विकास का सामाजिक प्रकार है। नेक्स्ट है, सामाजिककरण के अभाव में निम्न में कौन से विकास में बाधा दिखलाई पड़ती है? तो दोस्तों, सामाजिककरण के अभाव में बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। सामाजिककरण का दोस्तों प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह, प्राथमिक समूह परिवार होता है, द्वितीय समूह विद्यालय एंड सोशल मीडिया, ये सारी चीजें होती हैं। प्राथमिक समूह में परिवार, क्रीड़ा समूह आदि होते हैं। निम्न में से किस समूह के अध्ययन में मार्गरेट मीड ने स्त्री पुरुष में अंतर पाया? तो अंतर किसने पाया स्त्री पुरुष में? तो शाम्बुली समूह में। मार्गरेट मीड ने शाम्बुली समूह के अध्ययन में स्त्री पुरुष में अंतर पाया, और किसमें अंतर नहीं पाया? अरापेश समूह में। नेशन मार्गरेट मीड के अध्ययनों में निम्न में से किस समूह में स्त्री पुरुष समान रूप से निर्दय थे? तो किसमें अंतर नहीं पाए थे, वो समान रूप से थे, तो अरापेश में। किसमें? अरापेश में, अरापेश समूह में। किसमें अंतर पाए थे? तो शाम्बुली समूह में। नेशन विद्यालय में सामुदायिक भावना का विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दशा कौन सी है? तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे विद्यालय में सामुदायिक भावना का विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दशा है सामूहिक परंपरा का विकास करना। जब समूह का विकास करेंगे तो अपने अपने समूह के प्रति सामुदायिक भावना बच्चों का बढ़ेगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक भावना के अंतर्गत निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल हैं? तो सामुदायिक भावना के अंतर्गत सहयोग भी होना चाहिए, अनुशासन या डिसिप्लिन होना चाहिए, आज्ञाकारिता होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो गुण हैं, मनोवैज्ञानिक तत्व जो हैं, सामुदायिक भावना के अंतर्गत होना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्न में से किस प्रकार कारक पर निर्भर है? तो विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण जो है वह सामुदायिक भावना के विकास के माध्यम से हो सकता है। समूह बनाएगा, उसमें एक दूसरे की भावनाओं को, व्यवहार को देखेगा, समझेगा, करेगा, तो उससे विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण का विकास होगा। नेक्स्ट है, मानक प्राप्तांक के बारे में मानक तथ्य यह है क्या है? इसमें मानक विचलन तथा माध्य दोनों ही निश्चित होता है। मानक प्राप्तांक में जो स्टैंडर्ड होता है उसमें निश्चित होता है कि 15 से 16 साल के बच्चे के लिए एक क्राइटेरिया है, 18-19 के लिए एक क्राइटेरिया है, कक्षा 2 के लिए एक क्राइटेरिया है, 8 से 7 के लिए एक क्राइटेरिया है। तो इसके मानक विचलन और माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। नेक्स्ट है, मान लिया जाए कि किसी परीक्षण प्राप्तांकों की आधा परीक्षण विश्वसनीयता 70 है, तो पूरे परीक्षण की विश्वसनीयता स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र के अनुसार क्या होगा? तो इसके अनुसार आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 0.828। इसका स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र क्या है इसको मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट है, कुछ विशेष कारणों से गिलफोर्ड तथा फ्रक्टल ने विभक्तार्ध विश्वसनीयता को कहा है? तो कहा है तत्काल विश्वसनीयता। क्या कहा है? तत्काल विश्वसनीयता। विश्वसनीयता को गिलफोर्ड तथा फ्रक्टल ने क्या कहा है? तत्काल विश्वसनीयता। विश्वसनीयता है क्या? रिलेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा क्राइटेरिया फॉर टेस्ट इवेल्यूशन, यानी परीक्षण के मूल्यांकन की कसौटियां, अच्छे परीक्षण की क्या कसौटियां हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, ठीक है, अच्छे परीक्षण की कसौटियां हैं 3।
वैज्ञानिक प्रमाणिकता यानी कि साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, एंड दूसरा है प्रशासनिक व्यवहारिकता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, एंड तीसरा शैक्षिक प्रयोग यानी एजुकेशनल एप्लीकेशन। तो जिसमें वैज्ञानिक प्रमाणिकता है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक प्रमाणिकता के अंतर्गत रिलेविटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड आता है। नेक्स्ट है डिपेंडेबिलिटी ऑफ टेस्ट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिपेंडेबिलिटी ऑफ टेस्ट कहा जाता है रिलायबिलिटी को। किसको? रिलायबिलिटी के यानी विश्वसनीयता को। तो अच्छे परीक्षण के लिए वैज्ञानिक प्रमाणिकता क्या चाहिए? रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, वैलिडिटी यानी वैधता, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड यानी मानक, इतने चाहिए। इसमें से रिलायबिलिटी जो विश्वसनीयता होती है, इसमें क्या होता है कि एक ही समूह पर बनाए गए परीक्षणों को एक से अधिक बार टेस्ट किया जाता है और हर बार परिणाम जो है एक जैसे आए, यानी बार बार परीक्षण यानी टेस्ट लेने पर एक जैसे स्कोर प्राप्त होता है, तो मानेंगे कि हाँ वो रिलायबल है, विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य है। तो रिलायबिलिटी को हम कंसिस्टेंसी या डिपेंडेबिलिटी या स्टेबिलिटी या टेस्ट वर्दीनेस और या रिपीटेबिलिटी भी कहते हैं। जो रिलायबिलिटी होता है, विश्वसनीयता, ये पांच प्रकार की होती है, टेस्ट, रीटेस्ट मेथड, पैरल फॉर्म मेथड एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबल मेथड एंड स्प्लिट हॉफ मेथड एंड कुरर रिचर्डसन मेथड। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी की गणना करने के लिए आर बराबर 2R थीटा ई अपान 1 प्लस आर थीटा ई नामक सूत्र किस विधि से संबंधित है? तो यह जो सूत्र है, यह है स्प्लिट हॉफ मेथड से रिलेटेड है। किससे है? स्प्लिट हॉफ मेथड से रिलेटेड है। तो स्प्लिट हॉफ मेथड जो है में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। स्प्लिट हॉफ मेथड में क्या किया जाता है कि परीक्षण को एक बार ही आयोजित किया जाता है, फिर प्रयोजो यानी सब्जेक्ट को उनके परिणाम के आधार पर दो भागों में सम और विषम में बांट दिया जाता है, और पहले भाग में विषम संख्या वाले क्रमांक पर आने वाले प्रयोजो यानी कि सब्जेक्ट के परिणाम आते हैं और दूसरे भाग में सम संख्या वाले क्रमांक पर आने वाले प्रयोजो यानी सब्जेक्ट के परिणाम आते हैं। फिर दोनों के मध्य सहसंबंध निकाला जाता है। सहसंबंध निकालने के लिए ब्राउन स्पीयरमैन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पिछले प्रश्न में आपने देखा ब्राउन स्पीयरमैन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। उसका फार्मूला है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये ब्राउन स्पीयरमैन का फार्मूला है। तो आप देख सकते हैं पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसी के पर आधारित क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह इसी पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लेजियम चेन के बीच में कितनी लंबी छड़ लगी होती है। तो लेजियम चेन के बीच में कितनी लंबी छड़ लगी होती है? 5 इंच। कितनी लंबी? 5 इंच। नेक्स्ट है लेजियम की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो लेजियम की मुख्यतः 12 अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि लेजियम के हैंडल की लंबाई लगभग 15 से 18 इंच होती है एंड लेजियम का भार लगभग 1 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है किसी परीक्षण पर आए प्राप्तांक से सही सही अर्थ निकालने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत पड़ती है? तो उसमें मानक यानी स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। किसी परीक्षण पर आए प्राप्तांक से सही सही अर्थ निकालने के लिए मानक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आकस्मिक न्यायदर्श के बारे में जो कथन सही है
उसको आपको टिक करना है। तो यहाँ पे आकस्मिक न्यायाधीश के बारे में ग राइट है कि यह त्रुटियों से पूर्ण रूप से मुक्त है। जो आकस्मिक न्यायाधीश विधि है यह त्रुटियों से पूर्ण रूप से मुक्त है। नेक्स्ट है उद्देश्य न्यायाधीश के बारे में जो प्रासंगिक नहीं है वह है। तो जो प्रासंगिक नहीं है उसको आपको इसमें छांटना है। तो इसकी तकनीकी विधि दोषपूर्ण नहीं है, ये आपका प्रासंगिक नहीं है। और प्रासंगिक क्या है, इसमें राइट क्या है कि उद्देश्य न्यायाधीश के बारे में कि उद्देश्य न्यायाधीश उस समूह का अध्ययन करता है, अध्ययन अच्छी प्रकार कर सकते हैं, इकाइयों पर अच्छा नियंत्रण रहता है, न्यायाधीश समूहों की तुलना भली भांति कर सकते हैं उद्देश्य न्यायाधीश के अंतर्गत। नेक्स्ट है संपूर्ण न्यायाधीश के बारे में जो कथन प्रासंगिक नहीं है वह है। तो संपूर्ण न्यायाधीश में आपका यह पूर्ण रूपे दोष मुक्त है, यह आपका प्रासंगिक नहीं है, यानी कि इसके अंतर्गत नहीं आता है, यानी यह पूर्ण रूपे दोष मुक्त है, यह बात राइट नहीं है, यानी कि यह दोष मुक्त दोष युक्त है, दोष मुक्त है नहीं। यानी और प्रासंगिक है कौन, यह सरल विधि है, यानी संपूर्ण न्यायाधीश विधि कैसा है, सरल विधि है। इसका सामाजिक सर्वेक्षण में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, यह वर्गबद्ध न्यायाधीश का ही रूप है। नेक्स्ट है नुड़ित न्यायाधीश के बारे में जो प्रासंगिक नहीं है वह कथन है। तो इसमें प्रासंगिक नहीं है ख, यह विधि वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि यह वस्तुनिष्ठ नहीं होती है, इसलिए यह प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक कौन कौन है कि यह शोध प्रक्रिया के में अच्छी प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है और शोधकर्ता अपने किसी उद्देश्य के लिए निर्णित इकाइयों का चयन करता है निर्णित न्यायाधीश में। नेक्स्ट है यादृच्छिक न्यायाधीश की विधि में समष्टि की इकाई क्रमांकित कर ली जाती है और प्रत्येक इकाई का क्रमांक होता है, यह कथन है। यह कथन है पूर्ण रूप से सही है, यानी यादृच्छिक न्यायाधीश की विधि में समष्टि की इकाई क्रमांकित कर ली जाती है, उसके बाद प्रत्येक इकाई का क्रमांक होता है, यह कथन पूर्ण रूप से सही है। नेक्स्ट है यादृच्छिक न्यायाधीश विधि में संख्या सारणी का प्रयोग किया गया है। तो यादृच्छिक न्यायाधीश विधि में टीए तथा फीसर दोनों द्वारा संख्या सारणी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यादृच्छिक स्थिरीकरण न्यायाधीश में स्थिरीकरण क्यों करते हैं, निम्न में से इसका आधार कौन नहीं है। तो इसका आधार कौन नहीं है, इसमें स्थिरीकरण क्यों करते हैं, यादृच्छिक स्थिरीकरण न्यायाधीश में स्थिरीकरण क्यों करते हैं, निम्न में से इसका आधार नहीं है, उसको छांटना है। अब कौन है इसको आपको देखना है। तो कभी कभी विभिन्न भिन्न स्तर की जनसंख्याओं के लिए समष्टियों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो यह इसका आधार है। एंड प्रशासनिक प्रशासकीय सुविधा के लिए भी स्तरीकरण किया जाता है, यह भी इसका आधार है। न्यायाधीश में प्रतिनिधित्व होने की संभावना अधिक होती है, यह भी इसका आधार है। आधार कौन नहीं है, तो ग है कि यदि स्तरीकरण में जनसंख्या समवायी उपसमूह विभक्त होती है तो भी स्तरीकरण करना निरर्थक होता है, तो ये गलत है, ये सार्थक होता है। नेक्स्ट है स्तरीकृत यादृच्छिकी कानून में से कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसमें आपका गुच्छ एकीकृत स्तरीकृत प्रकार नहीं है, जबकि समानुपाती असमानुपाती महत्तम विभाजन है। एक कुछ क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन आपके थोड़ा दूसरे डिफरेंट टाइप के थे, अब आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे जो आपने पढ़ा है। क्वेश्चन है न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषित होता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया आदि नामों से जाना जाता है। एंड दूसरा नियम है संवेग या लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो
तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का जड़त्व से परिभाषित किया जाता है, यानी जड़त्व से। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये आपका न्यूटन के प्रथम नियम का विशेषता है। नेक्स्ट है, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो जापान को। नेक्स्ट है, भूकंप मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। अब भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा किया जाता है? आरएनए द्वारा, वो भी एमआरएनए द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आरएनए के द्वारा। कोशिका के अंदर सूचना का जो प्रवाह होता है वो एमआरएनए द्वारा किया जाता है। डीएनए आपका राइट नहीं होगा, क्योंकि डीएनए बहुत लोगों ने लगाया होगा। डीएनए जो होता है, डीएनए से जीन का निर्माण होता है, और जो अनुवांशिकता की मूल इकाई होती है, जो ये व्यक्ति के अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाती है, कौन? डीएनए। एंड कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है आरएनए के द्वारा। नेक्स्ट है, एलिसा नामक परीक्षण किस रोग से निदान के लिए किया जाता है? दोस्तों तो एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है, ये दोनों टेस्ट एड्स परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सबको पता है गोइटर, यानी कि घेंघा रोग हो जाता है शरीर में आयोडीन की कमी से। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और सामने सामने दिखने लगती है गले पर। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन स्थापित होता है, जिससे आयोडीन की कमी के कारण ऐसा होता है घेंघा रोग। नेक्स्ट है, पित्त रस का क्या कार्य है? पित्त रस का निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में, इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। यह पित्ताशय के द्वारा छोटी आंत के पहले भाग डुओडिनम में आकर के भोजन में मिलता है, जहां पे इसका मुलाकात होता है अग्नाशय से आने वाले बहुत सारे एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन से एंड अमाशय से आए हुए भोजन, जो छोटी आंत के अमाशय के बाद डुओडिनम के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। तो छोटी आंत के प्रथम भाग डुओडिनम में पित्त रस का मुलाकात होता है, जो यह अग्नाशय से आने वाला रस, अग्नाशयी रस जिसमें स्थापित होता है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, पित्त रस के साथ मिलकर के वसा का पाचन करता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो पित्त रस का क्या कार्य है? तो भोजन को पचाने का कार्य है। क्या कार्य है पित्त रस का? भोजन को पचाने का कार्य है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो आप सबको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस में, एंड फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज को आप किस तरह से परीक्षा में शामिल करेंगे? तो इसको परीक्षा में शामिल करेंगे और शाब्दिक परीक्षण में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वस्तुनिष्ठ एकांश में वस्तुनिष्ठता सचमुच में सबसे कम होती है? तो वह होती है पूरक एकांश में वस्तुनिष्ठता सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, एक उत्तम परीक्षण की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे मैंने बताया है कि उत्तम परीक्षण की कई विशेषताएं होती हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड। तो उत्तम परीक्षण की कई विशेषताएं होती हैं, निम्न में से उनमें से कौन नहीं रखा जा सकता है?
तो दोस्तों इसमें आपका परीक्षक का आत्म संबंध ये होना चाहिए। वैधता यानी वैलिडिटी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मानक स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। आत्मनिष्ठता यहाँ पे ये राइट नहीं है। नेक्स्ट है प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश को मिला था। तो दोस्तों प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल बैरन पियर डी कुबर्टिन के द्वारा आरंभ किया गया था 1896 एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में, और इसे प्रथम स्थान प्राप्त किया था अमेरिका ने। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक तालिका में रिकॉर्ड 15 बार शीर्ष पर रहने का मौका गौरव किस देश को प्राप्त है, तो अमेरिका को। किसको प्राप्त है? अमेरिका को। नेक्स्ट है भारत ने अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता है, तो 1980 मास्को में अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता का किससे निर्धारण किया जाता है, तो दोस्तों परीक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर विश्वसनीयता निर्धारण किया जाता है, यानी कि बार बार परीक्षण किया जाता है और बार बार परीक्षण करने पर एक जैसा स्कोर प्राप्त हो, एक जैसे स्कोर जो प्राप्तांक होता है उसी के बेस पर विश्वसनीयता को निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है जब दो चरों में संबंध अधिक होता है तो उसका सहसंबंध गुणांक होता है। तो जब दो चरों में संबंध अधिक होगा तो जो सहसंबंध होगा वह धनात्मक होगा, और धनात्मक को +1 से चिन्हित, +1 तथा -1 के आसपास होगा। नेक्स्ट है भविष्यवाची वैधता एक तरह की है, तो भविष्यवाची वैधता जो है एक तरह की कसौटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कसौटी से संबंधित है। वैधता, वैधता क्या होता है? वैधता मतलब कि परीक्षण जो है उसी को मापे जिसके लिए वो बनाया गया है। जैसे हार्वर्ड स्टेट टेस्ट कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के लिए बनाया गया है, तो वह कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस ही मापे न कि किसी और चीज को, तब माना जाता है कि हाँ ये वैध है, ये सही है। तो वैधता कई प्रकार की होती है, वैधता कई प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने बताया वैधता क्या होती है, वैधता क्या होती है यानी व्हाट पर्पज टू मेजर, यानी किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, परीक्षण के जिसके लिए बनाया गया है वह उसी को माप रहा है कि नहीं, यानी परीक्षण अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं, यही वैधता होता है, प्रमाणिकता होता है। यह कई प्रकार का होता है, प्रतिरूप प्रमाणिकता यानी फेस वैलिडिटी, एंड विषय वस्तु वैधता यानी कंटेंट वैलिडिटी, एंड निर्माण वैधता यानी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, पूर्वानुमान की वैधता यानी कि फॉरकास्टिंग वैलिडिटी। जो ये क्वेश्चन पूछा है भविष्यवाणी वैधता, यह एक कसौटी से संबंधित होता है, एंड मानक मापदंड वैधता यानी क्राइटेरियन वैलिडिटी, एंड स्तर प्रमाणिकता यानी कि स्टेटस वैलिडिटी, एंड समकालीन वैधता यानी कंकरेंट वैलिडिटी आदि प्रकार के आपके होते हैं वैधता यानी वैलिडिटी। नेक्स्ट है दो प्राप्तांक यानी दो स्कोर से क्या पता चलता है, दो स्कोर से माध्य से मानक विचलन की इकाई में दूरी का पता चलता है। नेक्स्ट है कैंसर की रोकथाम करने वाली नई दवा इंटरफेरॉन मनुष्य के किस भाग में बनती है, तो यह बनता है दोस्तों
WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में बनती है कैंसर की रोकथाम करने वाली नई दवा इंटरफेरॉन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एथलीट पद की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो एथलीट पद की उत्पत्ति जो है वह ग्रीस यानी यूनान से हुई। नेक्स्ट, एथलीट पद का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ ही होता है प्रतियोगिता। क्या होता है? प्रतियोगिता। एथलेटिक मतलब प्रतियोगिता, एथलीट मतलब प्रतियोगी। ठीक है, एथलीट मतलब प्रतियोगी। तो दोस्तों ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, दूसरे कॉन्सेप्चुअल बेस पे था, एंड और सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में जरूर बताइए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड दोस्तों डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करने के लिए और सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के लिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।